अस्सलाम वालेकुम, वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, वेलकम टू आवर टुडे न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। कल का व्लॉग तो अब्दुल्ला ने बना लिया है, जैसे तैसे उनसे बना। हम हॉस्पिटल में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बेबी आ चुका है और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। सो गाइस, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अपना खाना बताती हूँ जो रूटीन का यहाँ पे है। वैसे तो मैं हमें हॉस्पिटल में कितने दिन हो गए हैं, 5 डेज मेरे ख्याल से हमें होने वाले हैं हॉस्पिटल में। तो ये बात है कि 5 दिन रखते हैं हॉस्पिटल में यहाँ पे, और ये मेरा है खाना जो कि मैं खा चुकी हूँ। जस्ट ही अभी मैंने व्लॉग के लिए निकाला था। इसमें ना छोटा थोड़ा सा फ्रूट ये टोमेटो इन लोगों ने दिए हुए, और साथ में मेलन था, और जो कि मैंने खा लिया एक रह गया। ये वेजिटेबल्स हैं जिसमें टमाटर है और साग है, और ये कॉर्न्स हैं, और इस वाले में था, इसमें भी वेजिटेबल थी, और ये चिकन है, और ये मिट्टी के जो है ना बर्तन में जो है ना राइस है, और ये चॉपस्टिक साथ में, और इस वाले बोल में चिकन सूप। तो ये खाना यहाँ पे देते हैं। और अभी जो है ना ये चाय का टाइम था, तो सेकंड टाइम में ना ये केक और केक के साथ में कहवा टाइप जो है ना लेके आए। तो यार खाना तो ये लोग बहुत अच्छा देते हैं, बिल्कुल भी ख़राब खाना और बुरा टेस्ट नहीं है, खाना बहुत अच्छा देते हैं। पहले तो ये था कि मैंने स्टिल यार मैं आज दूसरा दिन मैं खाने लगी हूँ। पहले मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं खा रही थी, 3 दिन मैंने कुछ भी नहीं खाया। 3 दिन इसलिए नहीं खाया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और जब तक मैं मेरी पूरी बॉडी ठीक नहीं हो सकती थी तब तक मुझे खाने पीने की इजाज़त नहीं थी। तो मैं सिर्फ पानी और ये सब कुछ पी रही थी। सो गाइस, ही कम बैक, ये बाहर गए हुए थे, ये भी आ गए। इनकी तो ये हालत हो चुकी है। ऑफ कोर्स यार, बंदा 4 दिन हॉस्पिटल में रहे दिन रात, इनकी तो ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि इतनी ड्यूटी बेचारे ने मेरे साथ दे दिया। रात को उठना, फिर दिन में ना ठीक से सोना, रात में ना सोना, और ये कि बहुत ज़्यादा थक गए हैं ये मेरे साथ में। तो यार हम लोग कल इंशाल्लाह घर चले जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाऊंगी मैं कल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो कल हम अपने बेबी को घर लेके जाएंगे, वी आर वेरी एक्साइटेड। एंड मैं अभी सामने नहीं आ सकती क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं सामने आऊँ। इस टाइम बना भी रही हूँ बड़ी ही मुश्किल से, क्योंकि आज मैं थोड़ी सी ठीक थी तो मैंने कहा कि चलो मैं थोड़ा सा व्लॉग बना लेती हूँ। तो यार मुझे अब्दुल्ला ने बताया था कि आप लोग जो है ना वेट कर रहे थे व्लॉग के लिए और ये वो, तो मैंने इनसे पहले ही भी बोला था कि बनाइएगा, बट इनसे नहीं बना, इन्होंने नहीं बनाया, ये परेशान थे इतने ज़्यादा, तो इस वजह से हमें फिर नहीं याद रहा, तो नहीं बना पाए। छोटा सा व्लॉग इन्होंने कल बनाया है, वो भी सिर्फ कुछ बातें ही की हैं इन्होंने। तो ये कि मेरा ये था कि यार ऑपरेट हुआ और बहुत ही सडनली हुआ है, बिल्कुल लास्ट जो ये मेरा व्लॉग आया था जिसमें मैं अवेलेबल थी, उसमें ये था कि मैं चेकअप के लिए ही आई हुई थी अपने, और सडनली बस जो है ना मेरे जो टेस्ट वगैरह हुए और उसमें बस ऑपरेट की नीड पड़ गई, और मैं ऐसे ऑपरेट के लिए गई हूँ खुद अपने पाँव से चल के, खुद स्ट्रेचर पे बैठ के गई हूँ, इवन कि मैं ऑपरेशन थिएटर में भी खुद स्ट्रेचर से मूव हुई हूँ, मुझे मूव करने की ज़रूरत नहीं उन लोगों को पड़ी क्योंकि मैं ठीक ठाक थी बिल्कुल। तो इस वजह से जो है ना बस ऑपरेट कर दिया इन लोगों ने यार जल्दी जल्दी में, टाइम बिल्कुल नहीं दिया हमें, हम तो सिर्फ चेकअप के लिए आए थे, तो बहुत ही जो है ना जल्दी में सब कुछ हुआ। तो खैर अल्लाह ताला ने शायद ऐसे ही लिखा हुआ था तो हो गया, बट यार सीरियसली उस टाइम तो नहीं पता चला मुझे इतना ज़्यादा, बट अभी जो है ना तकलीफ़ इतनी होती है कि अल्लाह ना पूछे, बहुत बुरी हालत है, बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी बेहतर हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है।
बस ये जो मेरे मियाँ जी है ना, इनका सपोर्ट है, बस अल्लाह इनको लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत थक गए यार, रात दिन हमारे साथ, मेरी तो ऑफ कोर्स अब मैं उठ भी नहीं सकती हूँ ठीक से, ना बैठ सकती हूँ, इतना ज़्यादा मैं वॉक भी नहीं कर सकती फ़िलहाल। मैं थोड़ा थोड़ा उठती हूँ, उठ के बैठ के यहाँ पे खाना खाती हूँ, हालांकि मैं वहाँ बैठ के भी खा सकती हूँ, बट मैं नहीं खाती क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उठ के खुद जो है ना मूव करूँ, वॉक करूँ। तो ये था यार आज का व्लॉग, इंशाल्लाह फिर बनाएंगे कल। अभी मज़ीद और बातें लिटरली मैं नहीं कर पा रही हूँ, बाकी डिलीवरी के बारे में और हॉस्पिटल के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर हो जाऊँ फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी। कोई क्वेश्चन हुआ तो काइंडली मुझसे कीजिएगा, ठीक है? फिर मैं जैसे ही फ्री होती हूँ तो मैं आपको जवाब दूँगी इंशाल्लाह। और यार हमें रखें अपनी दुआओं में याद, और हमारे बेबी को भी रखें हमारी अपनी दुआओं में याद, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नए व्लॉग में। और हमें सपोर्ट करते रहें, अब तो मज़ीद इंटरेस्टिंग होंगे व्लॉग्स, क्योंकि अब तो हमारा प्यारा सा क्यूट सा बेबी माशाल्लाह से आ चुका है, तो बस उसको भी जो है ना फ़िलहाल हम उसको, उसका जेंडर भी नहीं बता रहे, ये भी सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, जब हम घर चले जाएंगे फिर ये सरप्राइज़ आप लोगों को देंगे इंशाल्लाह। तो ओके गाइस, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, बाय बाय। एंड थोड़ा सा मैं बेबी बताऊँ तो बेबी यहाँ पे है अभी, बेड पे है तो बेबी सोया हुआ है अभी। टाटा बाय बाय।